फ्रेंड्स माई सेल्फ मिस्टर गौतम प्रसाद, तो ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ भी है, बहुत अच्छी तरह से गुड न्यूज़ है। तो आप सबको पता होगा कि कल रात को मोदी सरकार ने टिकटॉक के साथ साथ 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिए हैं। बट आज की तारीख में इनफेक्ट हाल में ही सबके मन में कहीं ना कहीं सवाल चल रहा होगा कि उनके फ़ोन में तो टिकटॉक है, इनफेक्ट तुम्हारे फ़ोन में टिकटॉक है, इनके फ़ोन में टिकटॉक है, हमारे फ़ोन में टिकटॉक है, बट जिसके फ़ोन में टिकटॉक नहीं है उनके फ़ोन में वो टिकटॉक इंस्टॉल ना कर पा रहे हैं। सुबह सुबह 7 से 8 बजे से सिस्टम लागू हो चुका है, जो कि सुबह 8 बजे अगर आपने नोटिस किया होगा तो प्ले स्टोर पर आपको टिकटॉक एप्लीकेशन शो नहीं कर रहा होगा, बट आपके फ़ोन में अगर टिकटॉक है तो वो टिकटॉक सही से काम कर रहा है, आप अच्छे खासे सब वीडियो देख पा रहे हैं। तो इसके ऊपर सवाल ये उठता है कि वो टिकटॉक आपके फ़ोन से कब अनइंस्टॉल होगा, या फिर वो काम करना बंद कर देगा, या फिर वो बैन कब होगा, या फिर गायब कब होगा। तो फिलहाल ये अपडेट जस्ट अभी अभी आया है कि आप अपना फ़ोन निकालिए, उसमें आप टिकटॉक स्टार्ट करो, जो कि आप टिकटॉक पर डे यूज़ करते हैं, तो समथिंग 10 से 15 सेकेंड टिकटॉक चलेगा, टिकटॉक वीडियो। उसके बाद में आप जब दोबारा उसको मिनिमाइज़ करेंगे, फिर दोबारा उसको स्टार्ट करेंगे, तो वो टिकटॉक का वीडियो नोट नेटवर्क शो करेगा, जो कि वो नेटवर्क आपका अप्लाई नहीं कर पा रहा होगा, जिसके कारण टिकटॉक आप यूज़ नहीं कर सकते हैं और ना उसमें कोई नया वीडियो डाल सकते हैं। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं अभी हाल में। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मोदी जी का जो डिसीजन है टिकटॉक बैन करने का, तो आपकी नज़र में कितना परसेंट सही और किस हद तक गलत भी है? तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप ये चीज़ कमेंट करिए कि क्यों सही और क्यों गलत है। मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। सो जय हिंद।